गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपका जो लेसन है फोर, कौन सा फोर, जो फोर लेसन है कठपुतली, ये पढ़ेंगे। इसके कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। इसके कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। देखो, कठपुतली गुस्से से उबली। कठपुतली का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, यहाँ पे आप शब्दार्थ लिखिए, शब्दार्थ तो इधर डालिए। कठपुतली, कठपुतली, कठपुतली होती है लकड़ी की गुड़िया, लकड़ी की गुड़िया क्या होती है? लकड़ी की गुड़िया। कठपुतली गुस्से से उबली, उस कठपुतली जो लकड़ी की गुड़िया थी उसको क्या आ गया? गुस्सा आ गया। बोली, ये धागे क्यों है मेरे? आपने देखा होगा कि कठपुतली का जो खेल दिखाते हैं उसके अंदर ऐसे धागे डले हुए होते हैं ना, एक ऐसी गुड़िया होती इतनी सी और उसके अंदर धागे डले हुए थे। उसने कहा कि मेरे अंदर ये धागे क्यों डाल रखे हैं? किसने कहा? कठपुतली ने। किससे कहा? उस जो कठपुतली का संचालन कर रहा था, यानी उसको जो खेल दिखा रहा था उस कठपुतली से, उससे कहा कि मेरे अंदर तूने ये धागे क्यों डाल रखे हैं? पीछे आगे इन्हें तोड़ दो, यानी ये जो धागे हैं इनको हटा दो, मुझे स्वतंत्र कर दो, मुझे आजाद कर दो। इन पीछे आगे, यानी हाथ में देखे होंगे पीछे की साइड में, इधर की साइड में भी रहते हैं, इधर की साइड में, दोनों साइड में दो धागे डले हुए होते हैं, तो चार धागे उसके हाथ में होते हैं। तो उसने कहा कि ये दोनों जो धागे हैं ये तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। उसने कहा कि मुझे मेरे पाँव पर, यानी मुझे मेरे पैरों पर चलने दो, आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे आप मत चलाइए। वो अपने उंगलियों के इशारे से, उंगलियों के इशारे से चलाता है उस कठपुतली को। तो वो जो कठपुतली है वो उसको बोलते हैं कि मुझे मेरे पैरों पर ही छोड़ दो, मैं खुद चलूँगी, मैं आपके साथ नहीं चलूँगी। सुनकर बोली और वो बोली, और बहुत कुछ कहना चाहती थी इसलिए वो बोली, कठपुतलियाँ ही कहाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन की छंद छुए। कठपुतली थी, उसने कहा कि हमें बहुत दिन हो गए अपने मन की तरह से, अपने मन से जीने की, जो भी हमारी आकांक्षाएं थी, इच्छाएं थी, उनसे जीना चाहते थे, हमें अपने मन के छंद छुए। छंद का मतलब क्या होता है? मन की जो भावनाएं होती हैं, जो मन के विचार होते हैं वो। मगर यहाँ बात वो अपनी रोक देती है और बोलती है, पहले कठपुतली सोचने लगी, एक थोड़ी होती है कठपुतलियाँ, तो बहुत ज़्यादा होती हैं, दो तीन होती हैं, चलाने वाले भी अलग अलग होते हैं। तो पहले कठपुतली थी वो सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, कि ये किस प्रकार का भाव, ये किस प्रकार की इच्छा मेरे मन के अंदर जगी है। आप देखिए, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे। तो आपको पता है कि ये मेरे धागे क्यों लगा रखे हैं? पीछे आगे इन्हें तोड़ दो, इन सभी को क्या कर दो? तोड़ दो। मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, यानी मुझे स्वतंत्र कर दो। सुनकर बोली और बहुत कुछ बोली वो कठपुतलियाँ की हाँ, यानी कठपुतलियाँ हम इशारा करती हैं, बहुत दिन हो हुए हमें, यानी बहुत ज़्यादा दिन हो गए हमें स्वतंत्र खेले हुए, अपने मन के छंद छुए, यानी अपने मन की जो खुशियाँ थी उसको छुए हुए बहुत दिन हो गए। मगर बीच में वो रुक जाती है और कहती है, पहले कठपुतली सोचने लगी, पहली जो कठपुतली थी वो सोचने लगी कि ये इच्छा मेरे मन में जगी, ये जो इस प्रकार की इच्छा है ये मेरे मन में किस प्रकार से जगी। आज हमने ये जो कठपुतली आपकी कविता थी ये पढ़ा। कठपुतली का अर्थ लकड़ियाँ की जो गुड़ियाँ होती है वो है। कवि इसके भवानी प्रसाद मिश्र हैं और इस पाठ का नाम कठपुतली है। आज के लिए इतना ही, कल हम आगे पढ़ेंगे, अगला लेसन पढ़ेंगे। इसको, कविता को याद कीजिए, आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए। आज के लिए इतना ही, ओके।